अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ मैं। 9 बजे आज, क्योंकि मैंने कपड़े तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, मगर अभी कपड़े वपड़े धोए थे, करा था तो थोड़ा लेट हो गई थी। और आज माशाल्लाह रमज़ान शरीफ का 26वां रोज़ा है। रमज़ान कैसे भाग रहे हैं कुछ अंदाज नहीं है, पता नहीं कितनी जल्दी 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 भाग रहे हैं स्पीड से, कुछ पता नहीं। तो आज 26 रोज़े हो गए, मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, घर खाली है, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं घर में जो चीज़ जहाँ है वैसी की वैसी है, घर सूना सूना है, खाली खाली है। एक के आने में 1 घंटा है, और 1.25 घंटा, एक के आने में 1.5 घंटा, दोनों अपने टाइम से आ जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, हमारा वही रूटीन रहता है किचन का। तो आज मैं बना रही हूँ स्टू, तो स्टू के लिए मैंने यह सब तैयारी करके रख ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, मेरे खाने कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, और जो कमी है आप मुझे वो बताइए, मैं उसे पूरा करूँगी इंशाल्लाह। तो आज मैं स्टू बना रही हूँ। यहाँ मैंने 250 ग्राम गोश्त लिया है, यहाँ 300 ग्राम मैंने प्याज ली है, प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, गोश्त यहाँ धो कर के मैंने साफ़ करके रख लिया है। ये कुछ वो ये है आपका लहसुन के जबी होते हैं, ये कर लिए हैं। यहाँ है साबुत गरम मसाला, ये दाल जावित्री, इलायची, बादियान का फूल, ये है आपकी दालचीनी, तेज़पत्ता, अगर प्याज, लौंग, ज़ीरा। और यहाँ मैंने रखा है साबुत लाल मिर्च एंड साबुत धनिया क्रश करा हुआ, और यहाँ थोड़ी सी हल्दी है। इसमें मैं हरी मिर्च और अदरक लहसुन दही भी डालूँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कुकर में तेल रख लिया है, तो तेल मेरा गरम हो चुका है, मगर गरम तेल मैंने, आप पूछेंगे कौन सा तेल लिया, तो तेल मैं लेती हूँ मस्टर्ड ऑयल, जिसे कहते हैं सरसों का ऑयल। जिस तरह सरसों के ऑयल में खाना बनाओ उतना अच्छा टेस्ट आता है। हम रिफाइंड में बना सकते हैं, मगर रिफाइंड में खाने में वो टेस्ट नहीं आता जो इसमें आता है, और इससे ना बीमारी होती है ना सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। रिफाइंड से जो है ना सेहत नुकसान करती है सेहत के लिए, क्योंकि उसमें जो हड्डियों का बुमेरो होता है वो ख़त्म होता है, और मस्टर्ड ऑयल से बहुत ताकत और अच्छा होता है। पुराने बड़े बूढ़े कहते हैं ना सरसों का तेल खाओ तो उसे वही अच्छा है। तो यहाँ मैंने तेल अपना गरम करके रख लिया है, आज मैंने तेल गरम करा है ऑयल, क्योंकि गरम से ना सब प्याज डालूँगी मैं। तो मैं यहाँ इसमें तेल ऑयल में इतना लूँगी सिर्फ इसको 1.5 चम्मच, ये वाला चम्मच होता है खाना पकाने वाला, तो मैं इसमें 250 ग्राम में ये 1.5 चम्मच तेल ऑयल डालूँगी। तो अब मैं इसमें पहले अपना साबुत गरम मसाला ऐड करती हूँ। ये मेरा तेल अभी ऑयल अभी गरम है तेल, तो मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगी, तब तक गैस के अंदर फूल जाएगा। देखिए इलायची और लाल लौंग वगैरह सब फूलने लगी है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करती हूँ। प्याज हमें ज़्यादा ना पकानी है, प्याज और लहसुन ऐड करती हूँ। प्याज हमें ज़्यादा नहीं बनानी, क्योंकि हमें जैसे कहते हैं ना कच्ची प्याज का स्टू हम उसे बनाएंगे, तो प्याज हमें ज़्यादा मोटी वाली काटनी की नहीं, क्योंकि मोटी काटने वो ज़्यादा बार काटने टाइम लगता है, तो मैंने मोटी मोटी 400 में कट कर ली है। अब यह थोड़े थोड़े प्याज ही बना रही हूँ, क्योंकि प्याज हमें जो है ना गोश्त स्टू, कच्ची प्याज का स्टू कहते हैं, बहुत टेस्टी होता है, वो बना रही हूँ मैं आज। कच्ची प्याज के स्टू में जो टेस्ट आता है ना, मतलब कच्ची क्या मतलब कच्ची ये गोश्त के साथ ही बद गलेगी, क्योंकि मैं यहाँ बड़े का गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त, तो बीफ के गोश्त में जो टेस्ट आता है वो इसमें नहीं आता। मैं चिकन भी बना सकती हूँ मुर्गे के अंदर, मगर मैंने आपको मैं बीफ में दिखा रही हूँ। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी चिकन में दिखाइए, तो मैं आपको चिकन का भी दिखा सकती हूँ, मटन का भी दिखा सकती हूँ। यहाँ मैंने बीफ का लिया है, तो यह मैं प्याज मेरी
हल्की 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 सी हो गई है ऑयल में। तो अब मैं इसमें जो है अपना गोश्त ऐड करूँगा, इसमें मैं अपना गोश्त ऐड करती हूँ। गोश्त ऐड करने के बाद थोड़ा से चलाती हूँ हल्के से हल्का हल्का अच्छा सा। गोश्त में चलाऊंगी थोड़ा 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 4 से 5 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मेरे गोश्त को बहुत भुनाई होते हुए। अब मैंने जो इसमें मसाले रखे थे वो ऐड कर रही हूँ, धनिया मिर्च और हल्दी। ये साबुत धनिया था, साबुत धनिया को मैंने क्रश करा, इसे आप पास से देखिएगा। ये साबुत मिर्च इसमें ऐड करते हैं, इसे चला देते हैं। देखिए इससे कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है, मतलब बनते टाइम पे ये बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसे ये डाल कर से सब मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल करके मैं इसमें 4 सीटी